डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग फिजिक्स में पिछले क्लास में चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़े थे, चुंबकीय तीव्रता के बारे में पढ़े थे, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त किया था, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे कि यह एक सदिश राशि है, उसका भी ऐसा मात्रक चुंबकन के जैसा ही होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता। अब हम लोग चुंबकशीलता के बारे में टॉपिक्स देकर फर्स्ट आरो देंगे, लिखेंगे चुंबकशीलता के फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एरो लिखा जाए चुंबकीय पदार्थ कॉमा वायु की अपेक्षा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने के लिए अधिक सुगम मार्ग प्रदान करता है। मानो चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र रेखाओं का सुचालक है। कौमा पदार्थ के इसी गुण के माप पदार्थ के इसी गुण के माप अर्थात क्षेत्र रेखाओं की चालन शक्ति को चुंबकशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट अध्याय में लिखेंगे चुंबकशीलता को म्यू से सूचित किया जाता है। फिर थर्ड एरो देंगे, लिखा जाए किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कौमा पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात के बराबर होती है चलिए तो हम लोग क्या लिखें चुंबकशीलता के बारे में, कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा ना, जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय पदार्थ के रूप में आपको चुंबक ले लिया जाए, ठीक है। अब किसी चुंबक को रखते हैं कहीं भी, तो हम लोग तो जानते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इकट्ठा करती है, ठीक है। ऐसे चारों तरफ हम लोगों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्सर्जित होती है। दोस्त, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, ये वायु के अपेक्षा एक सरल मार्ग हो जाती है चुंबक के लिए। इसी का कारण यह है कि अगर कोई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी लोहे के टुकड़े को रखा जाए,
तो वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों कर लेता है भाई? तो क्योंकि जैसे मान लिया एक चुंबक है और यह चुंबक चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दिया। अब जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, वह जो क्षेत्र होता है वह एक सरल मार्ग हो जाता है, एक सरल मार्ग हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र को चलने के लिए वायु के अपेक्षा। यानी कि वायु से भी सरल माध्यम, सुगम मार्ग बन जाता है वह क्षेत्र रेखा। यही कारण है कि आयरन पीस, आयरन का एक टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, एक चुंबक उसको खींच पाता है। ठीक है, यानी मेरा मतलब कि अगर अगर कोई सा भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, रेखाएं होंगी, वो वायु के अपेक्षा सरल मार्ग होंगी, बिल्कुल सुगम मार्ग होता है उनका। इसी को हम लोग चुंबकशीलता चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकशीलता के बारे में आपको जानना चाहिए कि चुंबकशीलता जो होता है इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकशीलता को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। अच्छा, अब ये म्यू के बारे में आपको जानना चाहिए कि जो चुंबकशीलता का डेफिनेशन हम लोग लिखें, तो पहला डेफिनेशन तो ये लिखे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वायु के अपेक्षा बहुत सरल होती है, सुगम होती है, उनका मार्ग बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, तो उनका मार्ग बिल्कुल सरल होता है, यही कारण है कि वह चुंबकशीलता कहलाता है। और दूसरा में लिखे इसको म्यू से सूचित करते हैं। और फिर तीसरा लिखे कि चुंबकशीलता का जो डेफिनेशन है, चुंबकशीलता का जो डेफिनेशन है वो चुंबकीय क्षेत्र वाले में, चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग चुंबकीय तीव्रता से अगर डिवाइड कर दे, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय तीव्रता से अगर डिवाइड कर दे तो हम लोग उनको चुंबकशीलता मिलता है। ठीक है, या यू बोले तो चुंबकशीलता का डेफिनेशन एक और हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग ध्यान रखें तो चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा को सूचित करते हैं बी से, और ब्रैकेट नीचे चुंबकीय तीव्रता को एच से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या फार्मूला बन गया दोस्तों? म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। ठीक है, जहां पे म्यू क्या है तो चुंबकशीलता है, जहां बी क्या है तो बी एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का फॉर्मूला म्यू का क्या आया? बी बटा में एच। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एच का मतलब चुंबकीय तीव्रता। अच्छा, हम लोग आगे बात करें तो इतना चीज आपको लिख लेना है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि म्यू का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक, म्यू का एसआई मात्रक। ऊपर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तो ऊपर तो हो जाएगा टेस्ला। और हम लोग कल ही पढ़े पिछले क्लास में कि चुंबकीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता का, और क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन, ना, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन दोनों का भी एसआई मात्रक सेम होता है। तो क्या होता है? सेम होता है तो एम्पियर प्रति मीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बन जाएगा कैसे भाई, तो टेस्ला पर एम्पियर मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला के पावर वन था, ऊपर गया तो माइनस वन, और मीटर के पावर माइनस वन था, ऊपर गया तो प्लस वन। तो इसलिए याद रखिएगा कि चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला मीटर
पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलिए चलिए हम लोग कुछ इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। लिखा जाए किसी चुंबक की चुंबकशीलता, किसी चुंबक की चुंबकशीलता, किसी चुंबक की चुंबकशीलता 2 × 10 के पावर 5, 2 × 10 के पावर 5 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। यदि इस चुंबक की तीव्रता, यदि इस चुंबक की तीव्रता 4.2 × 10 के पावर 4 एम्पियर पर मीटर हो तो, एम्पियर पर मीटर हो तो वह चुंबक कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देख पा रहे होंगे हम लोगों को इस सवाल में क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है क्या दिया है भाई, तो वह उसका म्यू का वैल्यू, उसका चुंबकशीलता दिया हुआ है, उसका चुंबकीय तीव्रता दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है कि वह चुंबक कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कितना टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहां से बी का फार्मूला आप अभी अभी बताए हैं, μ0 × H। आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं और इसका यूज करके और बी का जो वैल्यू आएगा हम लोगों का टेस्ला में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकशीलता के प्रकार, चुंबकशीलता के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि चुंबकशीलता का जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो लिखा जाए उसके नीचे एरो, चुंबकशीलता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, चुंबकशीलता को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है प्रतिचुंबकीय, दूसरा का नाम है अनुचुंबकीय और तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय। ध्यान रखा जाए चुंबकशीलता के कितने प्रकार हैं, यानी कि इस चुंबकशीलता को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो इन्हें जो है 3 टाइप्स में बांटा गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स, यानी कि 3 प्रकार में बांटा गया है। अब ये जो 3 प्रकार के बांटा गया है, तीनों का नाम क्या क्या है याद रखना है, पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, अनुचुंबकीय क्या है और लौह चुंबकीय क्या है, इसके बारे में अब हम लोगों को जानना जरूरी है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब लिखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ, स्पेशल टॉपिक बनाएंगे इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। तो अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में।
कि प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, हम लोग प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा तीनों के बारे में हम लोग डेफिनेशन करेंगे कि प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। तो अभी जो हम लोग टॉपिक्स बनाए हैं वो प्रति चुंबकीय बनाए हैं। इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ प्राय प्रति चुंबकीय पदार्थ प्राय ठोस कोमा द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्राय ठोस कोमा द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे 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 एंटीमनी चांदी बिस्मथ, ये सब हो गया ठोस। ठीक है, फिर लिखेंगे जल, ये हो गया द्रव, और फिर द्रव हो गया, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन या हीलियम या हवा, ये सब क्या है, और जल या अल्कोहल लिख सकते हैं, अल्कोहल। ठीक है, हीलियम हाइड्रोजन, यह हम लोगों का गैस अवस्था है। कुल मिलाकर हम अभी पढ़े प्रतिचुंबकीय में पढ़ रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है ना, ठोस द्रव और गैस। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में जानिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो तीनों रूपों में पाए जाते हैं, ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एंटीमनी भी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। चांदी या बिस्मथ दोनों ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन किसमें आते हैं, ये ठोस में आते हैं। सेम थिंग अल्कोहल और जल भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, बल्कि ये द्रव में आते हैं। तो ये हम लोग ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं। कौन? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे गैस में हाइड्रोजन और हीलियम भी एक तरह का क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जो हम लोगों को गैस अवस्था में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का फर्स्ट एरो था। अब लिखा जाए प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सेकेंड एरो, लिखेंगे सेकेंड एरो में लिखा जाए चुंबकीय क्षेत्र के तीव्र भाग में इन पर मंद विकर्षण होता है, इन पर मंद विकर्षण होता है। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है प्रतिचुंबकीय में, कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा वहां पे इसका जो है ना विकर्षण कम होगा। विकर्षण का मतलब होता है अलग होने का गुण, आकर्षण का मतलब होता है एक साथ मिलने का गुण। तो आकर्षण का मतलब एक साथ मिलना और विकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो बोल रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहता है वहां पे मंद विकर्षित होता है। मंद विकर्षित का मतलब विकर्षित होता ही नहीं भाई। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा वहां से वो कैसे हिल सकता है, ठीक है, वहां से नहीं हट सकता है, वही बात बोल रहा है। जरा हम इसका फिगर देख लें। जैसे मान लिया कि यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, और इसमें यहां से अगर मान लिया
कि एक चुंबकीय क्षेत्र लाइन तो बीचों बीच क्रॉस हो गया है, और अगर मान लिया कि और भी हम लोग यहां से दे रहे हैं, तो यहां से ऐसे जा रहा है, क्रॉस आउट हो गया। ये दिखाता है मंद विकर्षण को, यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों को दिखा रहा है कैसी है ये, तो मंद विकर्षण यानी कि बहुत कम विकर्षण को दिखाता है, देख पा रहे ना, यानी कि हम लोगों का स्टार्टिंग में भी अपने पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया यहां पे चुंबक को लाया गया, चुंबक को लाया गया, इट मींस क्या हुआ, तो यहां पे मंद विकर्षण हो रहा है, तो इसका फिगर आप भी बनाकर उसके नीचे लिख दीजिएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि जहां पे अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है प्रति चुंबकीय वाले पदार्थ में, वहां पे वो कम विकर्षित होता है, मंद विकर्षित होता है, बहुत कम मात्रा में हटता है, विकर्षित करता है, तो ये उसका फिगर। फिर लिखेंगे प्रति चुंबकीय के थर्ड एरो लिखा जाए, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता एकांक से कम होती है, जैसे एकांक से कम होती है का मतलब क्या है, एकांक से कम होती है का मतलब यह हुआ कि एग्जाम्पल 0.2, 0.5, 0.8, 0.75 etc, यानी बोल रहा है कि किसी भी प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है, यानी कि चुंबकशीलता का मतलब हर पदार्थ का हम लोगों का म्यू का वैल्यू, म्यू का मतलब होता है चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता कैसे निकालते हैं, तो अभी पढ़े हैं बी बटा में एच का फार्मूला यूज करेंगे, तो किसी भी पदार्थ का ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीयशीलता होता है वो बी बाई एच होता है, ये तो क्लियर है, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है दोस्तों वो एकांक से कम होती है, का मतलब क्या है कि 0.2, 0.5, 0.8 समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो इस फिर नेक्स्ट एरो लिखा जाए, अभी जो लिखे ना कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता होता है वो एक से कम होता है, फिर उसके बाद लिखा जाए नेक्स्ट, प्रति चुंबकीय पदार्थ में, ताप के परिवर्तन से, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखे, यहां पे यही चीज लिखे हम लोग कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, यानी कि बढ़ाया या घटाया जाए, तो उन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर नहीं पड़ता है, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ पर, यानी कि ताप से उनका कोई लेना देना है ही नहीं प्रति चुंबकीय पदार्थ का। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी जो हम लोग पढ़े क्या पढ़े कि ताप से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो, इनमें किसमें, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ में, ऐसे लिखेगा प्रति चुंबकीय पदार्थ में शैथिल्य प्रदर्शित नहीं होता है, अब शैथिल्य का मतलब यह होता है
भंगुर, जिसको मतलब कि थोड़ा सा कॉन्ट्रॉक्स हो जाए, जैसे मान लिया कि सिकुड़ना भी इसको बोल सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं जो अपने आप को कंबस हो जाए, मतलब सिकुड़ जाए, ठीक है। जैसे कभी आप मटर के पौधे को देखें, मटर के बीजों को देखें, तो झिंगूर हो जाता है। मटर के पौधे भिगोकर और फिर उसको धूप में सुखाइए तो क्या हो जाता है, सिकुड़ना जिसको बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ये शैथिल्य नहीं होते हैं, ये सिकुड़ते नहीं है, ये अपने पोजीशन में जैसा आकार में रहते हैं वैसे इससे मकान में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा का पूरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पढ़े, अब लिखा जाए हम लोगों का टॉपिक्स, अब उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या क्या चीजें होती है। अनुचुंबकीय का फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे अनुचुंबकीय का फर्स्ट एरो, लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ भी, अनुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, कौमा द्रव तथा गैस अवस्था में, तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी जो होते हैं ना, वो भी ठोस, द्रव, गैस के रूपों में पाए जाते हैं। सेम कंडीशन होता है अनुचुंबकीय के साथ, ये भी जो होते हैं ना, ये भी तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में, ठीक है। तो इसमें लिखा जाए जैसे में लिखेंगे प्लेटिनम कॉमा मैग्नीज, ये जो होता है ना ठोस में पाया जाता है, यानी कि अनुचुंबकीय भी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। लौह लवण का घोल ये हम लोगों को पाया जाता है द्रव अवस्था में, और ऑक्सीजन ये पाया जाता है गैस फॉर्म में। यानी कि ये सभी सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो अनुचुंबकीय के एग्जाम्पल हैं। अब अनुचुंबकीय भी जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जैसा तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो ठोस में कौन कौन सा रूप पाया जाता है, तो प्लेटिनम और मैग्नीज। द्रव में कौन कौन सा, तो लौह लवण का घोल। गैस में कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब ऑक्सीजन, प्लेटिनम, मैग्नीज, लौह लवण का घोल, ये सभी सारे क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये सभी सारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अब ये सभी सारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। चलिए फिर नेक्स्ट का अगर बात करें तो नेक्स्ट एरो दिया जाए, देखेंगे नेक्स्ट एरो देकर अनुचुंबकीय पदार्थ में लौह चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। देखिए बात रहा बात कि अनुचुंबकीय, तो हम लोग तीन पार्ट में बांटे हुए हैं चुंबकशीलता को।
एक प्रति चुंबकीय, अनु चुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया कि जो अनु चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें जो आकर्षण बल होता है वो किससे कम होता है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ से कम होता है। ठीक है, यानी अनु चुंबकीय और लौह चुंबकीय में बात किया जाए तो लौह चुंबकीय का जो आकर्षण बल का क्षमता है, एक दूसरे को खींचने का क्षमता है, वो लौह का ज्यादा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा किसका है, तो इससे ज्यादा होता है हम लोगों का अनुचुंबकीय, इससे कम होता है सॉरी ज्यादा होता है लौह चुंबकीय का। तो इसमें बोला गया कि प्रति अनुचुंबकीय पदार्थों में लौह चुंबकीय के अपेक्षा या लौह चुंबकीय के तुलना में आकर्षण बल कम होता है, किसमें, अनुचुंबकीय में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे। फिलहाल प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट एरो देंगे अनुचुंबकीय को लेकर, नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा गया, लिखा जाए इन पदार्थ ऐसे लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों में ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए बोला क्या गया, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो ताप का प्रभाव होता ही नहीं है, लेकिन अगर अनुचुंबकीय का बात किया जाए तो अनुचुंबकीय में ताप का प्रभाव होता है, ताप का प्रभाव होता है, और कैसे होता है भाई, तो व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर मान लिया कि अगर यहाँ पे एक्स एम का मतलब कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती में होता है कोई टेम्परेचर ताप, तो आप इसको उसके नीचे लिख सकते हैं कि एक्स एम कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है जो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसके, ताप के। तो ध्यान रहे वहां पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर नेक्स्ट एरो लिखा जाए, अनुचुंबकीय पदार्थों में भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जैसा शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करते हैं, अब देख पा रहे होंगे कि इसमें शैथिल्य का बात किया जाए तो प्रतिचुंबकीय के जैसा अनुचुंबकीय भी शैथिल्य प्रदर्शित नहीं करता है। तो आज हम लोग पढ़े प्रतिचुंबकीय के बारे में और अनुचुंबकीय के बारे में, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके लास्ट लौह चुंबकीय के बारे में और उसके आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।